नवभारती टूटी कॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक जो चल रहा था वो है ज्ञान की विशेषताएं। कल मैंने आपको ज्ञान की विशेषता में आपको बताया था कि हमारा सबसे पहले परा और अपरा ज्ञान में विशेषता बताई थी। आज मैं जो ज्ञान में विशेषताएं बताने जा रही हूँ वो है आपका धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान। इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। धार्मिक ज्ञान जो हमारा धर्म पर आधारित होता है, धर्म मीन्स हमारा विश्वास, हम धर्म यहाँ हमारे विश्वास को कहेंगे, धर्म हम विश्वास को कहेंगे। इसमें मैंने एक चीज बताई कि विश्वास हमारे दो तरीके से होता है। हम आंतरिक तौर पर विश्वास करते हैं, जहाँ हम स्वयं विश्वास करते हैं, हमारे जो कि हमारा मन कहता है, और एक होता है हम किसी के कहे हुए वर्डों पर विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास को देखें, यानी कि धर्म विश्वास, विश्वास को हम देखें तो दो भागों में विभाजन किया है। इसे हमने नाम दिया है बिलीव इन एंड बिलीव दैट, यानी कि इन मीन्स अंदर, जिसे हमने अपनी आत्मा से स्वीकार किया है। बिलीव इन इन एंड बिलीव दैट, बिलीव इन जो हमने अपनी आत्मा से स्वयं ने हमने महसूस किया है, यानी कि जो हम कहते हैं कि हमारी आत्मा जिस चीज को मान लेती है, हमारा मन जिस बात पर विश्वास करता है, वो होता है हमारा बिलीव इन। और बिलीव दैट होता है कि हमें कोई सामने वाला अपने कहे हुए वर्ड पर या कहे हुए कार्य पर हमें विश्वास दिलाना चाहता है। दैट मीन्स वह, इन मीन्स अंदर, दैट मीन्स वह, दैट यानी कि हम जब किसी के बाहर की, किसी बाहरी लोग के या किसी के कहे हुए वर्ड पर, किसी के कार्य पर हम जो विश्वास करते हैं, यानी सामने वाला हमें विश्वास दिलाना चाहता है। और बिलीफ इन होता है हमारा खुद का आंतरिक मन की सहमति, अर्थात जो हम अंतर आत्मा से हम उसे मानते हैं। इसी में मैंने धार्मिक ज्ञान में सबसे पहले हमारा विश्वास है, तो विश्वास के लिए जो हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, विश्वास के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता है, तो सबसे पहले यहाँ हमारा विश्वास ही होता है। सबसे पहले जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है हमारी शर्त, अर्थात हम किस चीज, किस शर्त पर हम कार्य करते हैं। तो धर्म जहाँ है तो वहाँ फर्स्ट हमारी स्टेज, अर्थात जो फर्स्ट हमारा विश्वास है, जो हमारा, जो हमारी कंडीशन है, हमारी शर्त है, वो हमारा विश्वास होगा। यानी कि हम जिस कार्य को करेंगे उसको करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सोचें कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा मन उस चीज के बारे में विश्वास नहीं करेगा, हम उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। अर्थात कहा जाता है कि मेहनत हम करते हैं, कार्य हम करते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें हमारे विश्वास की आवश्यकता होती है। अर्थात जब भी हम किसी कार्य को करते हैं, अगर हमारे उस कार्य पर, उस कार्य करने के तरीके पर अगर हमें विश्वास नहीं है, तो हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। अर्थात हमें हर कार्य को करने के लिए फर्स्ट कंडीशन हमें हमारी विश्वास ही रखना चाहिए, हमें हर कार्य पर विश्वास करना चाहिए। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि पहला शर्त होता है इसका प्रमाण, विश्वास। अगर हम कहें कि हमें जो आज हमारे देखा है हमने कि विश्वास जो है, इस विश्वास के आधार पर, इसे मैं एक वैज्ञानिक उससे जोड़ देती हूँ कि विश्वास, जैसे अगर हम देखें कि आज जो हमारे एरोप्लेन या हमारे हवाई जहाज उड़ने जा रहे हैं, तो एक किस आधार पर है? पहले तो हमने एक कागज का टुकड़ा लेके उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कागज के टुकड़े से जो हमने उड़ाने की कोशिश की, एरोप्लेन बना के उसके जो शेप हमने दी, जो हमने कहते हैं कि पानी में जहाज चलाने के लिए हमने पानी में एक कागज की नाव बनाकर उसे तैराने की उसकी शेप दी, तो वो था क्या हमारा? कहीं ना कहीं हमारा विश्वास। उस विश्वास के आधार पर जो हम आज हमारे जो नई नई टेक्निक, हमारी नई नई टेक्निक स्टार्ट हुई, वो किस आधार पर हुई? हमारे विश्वास के आधार पर। तो कहा जाता है कि हमारी शर्त का सबसे पहला जो हमारा धार्मिक ज्ञान में आता है पॉइंट, वो आता है हमारा विश्वास। यानी कि हमें हमारे विश्वास पर विश्वास होना चाहिए, हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम 100% देंगे, इस चीज़ का हमें विश्वास होना चाहिए। जिसमें की फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी विश्वास। सेकेंड है हमारी विश्वास में सत्यता, यानी कि हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास हमारा सत्य होना चाहिए, अर्थात उस विश्वास को ही हमें सत्य बना देना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा विश्वास सत्य है। अर्थात जब तक हम विश्वास को सत्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे,
कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, यानी हमारा खुद का विश्वास होगा, उस विश्वास पर हम कार्य करेंगे या हमारा रिजल्ट उसका प्रतिफल जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो हम अपने आप उस पर सत्य हो जाएगा और वही सत्य हमारे दूसरे लोग भी उसको सत्य मानने लग जाएंगे। अर्थात विश्वास में सत्यता की आवश्यकता होती है, यानी कि हम जो कार्य करें उसे हम ऐसा करें कि वो हमारे सामने सत्य बनकर हमारे सामने आए कि क्या हम वो कार्य कर रहे हैं वो सही है और दूसरों को भी उस सत्यता विश्वास दिलाएं। थर्ड है हमारा सत्यता के लिए प्रमाण। जब हम कार्य करते हैं तो हमारा प्रतिफल, हमारा परिणाम, हमारा प्रमाण बनकर सामने आता है कि क्योंकि हमने देखा, हमने मेहनत की है, मेहनत हमने की है, मेहनत पर अगर हमें विश्वास है तो हमारा रिजल्ट 100% हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी हमारी परसेंट जो है वो अच्छी बनेगी और वही परसेंट हमें हमारे लिए हमारा प्रमाण होता है। वही जो कार्य हमने किया है, जो हमारे कार्य का परिणाम होता है, जो कार्य का परिणाम है वही हमारा प्रमाण होता है। तो धार्मिक ज्ञान में आता है, धर्म का मतलब होता है विश्वास, विश्वास है हमारा, we believe in and believe that, यानी कि हम स्वयं विश्वास करें खुद के कार्य पर और दूसरा हम किसी के कहे हुए वर्ड पर। सेकंड, इसी के अंदर हम इसकी विशेषता बताते हैं। तो फर्स्ट है हमारी कंडीशन इसमें विश्वास, यानी कि हमारी सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली शर्त होनी चाहिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य पर हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किस आधार पर ये कार्य कर रहे हैं। सेकंड था हमारा विश्वास में सत्यता, सेकंड है हमारा विश्वास में सत्यता, यानी कि जिस पर हमने विश्वास किया है उस वो हमारी सत्य बननी चाहिए कि हमने विश्वास किया है वो सत्य है। अगर हम यहाँ से बीएड करके जा रहे हैं, हमें ये विश्वास है कि हम यहाँ बीएड कंप्लीट करेंगे, अगर हम बीएड कंप्लीट करेंगे तो ये भी हमारे सत्य है कि हम आगे जाकर हम अपने टीचर के कंपटीशन के एग्जाम में बैठ पाएंगे, तो ये सत्य है। और सत्य के लिए प्रमाण क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आपने फॉर्म फिल किया है तो आप एग्जाम भी देकर आएंगे, उसके लिए प्रमाण हो गया कि हम टीचर का टीचर बनने के लिए हमें बीएड कंपलसरी है और बीएड हमारी कंपलसरी है तो हम उसके लिए पेपर जाके हम जो हमने पेपर में बैठे हैं वो हमारे लिए प्रमाण है कि इस विदाउट एक स्टूडेंट, बिना बीएड करा हुआ स्टूडेंट आए वहाँ एग्जाम हॉल में तो उसे कोई नहीं बैठने देगा। और एक हम जाएंगे कि बीएड हम कर रहे हैं, बीएड किया हुआ स्टूडेंट ही हमारा फॉर्म फिल होगा, नहीं तो हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रमाण हो गया, यानी कि हमें जिस चीज़ पर विश्वास है जो हमारा प्रमाणिक होता है, ये सत्य है। कहते हैं विश्वास सत्य पर आधारित होता है और सत्य ही हमारा प्रमाण लाता है। हमेशा विश्वास हमारा सत्य है क्योंकि हमें जो सत्य होगा कहीं ना कहीं हमारा मन हमारे सत्यता पर ही विश्वास करेगा कि हमारी क्या चीज़ हमारी सत्य है। अब सेकेंड जो है वो है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान। सेकेंड, फर्स्ट था हमारा धार्मिक ज्ञान, यानी कि विश्वास से संबंधित, धर्म यानी विश्वास। अब चाहे विश्वास हमारे हमारी आस्था भगवान पर हो, भगवान को भी हम जो भगवान को भी हम पूजते हैं उसके लिए भी हम जो मूर्ति की कल्पना करते हैं वो हमारे लिए सत्य बन जाती है। हमने कभी नहीं कहते हैं कि ईश्वर निराकार होता है, हमने कभी उनका स्वरूप नहीं देखा, हमने देखा उन्हें कि वो किस तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन हम यहाँ हमारा सत्य क्या है, हमने इस मूर्ति की छवि को ही जो हमारे सामने उनका प्रेजेंट है उसी पर विश्वास कर रहे हैं और हमने उसी को सत्य बना दिया, यानी कि यहाँ विश्वास ही सत्य बन गया, यानी कि हमने उसी सत्य को विश्वास बना लिया। और प्रमाण अगर हमें जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं उसे हम कहते हैं कि हम कार्य करने कुछ अच्छा भी करने जाते हैं या बुरा भी करने, सर्वप्रथम हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके मन में चाहे हम आप कहते हैं हमारे अंतरात्मा से उन्हें नमन करें लेकिन हम नमन करके उससे निकलते हैं, उसी तरीके से हम अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। जब हमारा कार्य अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि हमारे प्रमाण मिलता है कि हमने तो सुबह ईश्वर की पूजा की या हमने इस देवता को हमने मान के अपना कार्य किया। तो कहते हैं कि धर्म ही हमारी आस्था है, धर्म हमारा आस्था हमारा विश्वास होता है, उसी के आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। सेकंड है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, सेकंड है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान को हम देखें तो वैज्ञानिक ज्ञान को दो भागों में विभाजन कर दिया। वैज्ञानिक ज्ञान यानी कि विज्ञान का ज्ञान जो विज्ञान से संबंधित होता है। यहाँ विज्ञान से संबंधित है तो हमारे यहाँ दोनों चीज़ें आएंगी, अर्थात हमारे मन का विचार भी। कहा जाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वो हमारे जो हम मन में उठने वाले विचार, कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। अगर जिज्ञासु है, वैज्ञानिक ज्ञान हमारे विचार है, तो ऑब्वियसली वो हमारा वैचारिक ज्ञान
ज्ञान होगा, अर्थात इसको दो भागों में विभाजन किया है, वैचारिक और दार्शनिक। विचार दार्शनिक के भी हो सकते हैं, इसीलिए इसमें ये चीज बताई गई है कि किस तरीके से वैचारिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान का इस वैज्ञानिक ज्ञान में समावेश है। यानी कि हमारे वैचारिक जो हमारे विचार से उत्पन्न होते हैं, दार्शनिकों ने अपने दर्शन शास्त्र में इस ज्ञान का स्वरूप दिया है कि किस तरीके से वो अपना कार्य करते हैं। आप देखेंगे हम वैचारिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान होता है विचार, और विचार हमारे मन में कब तक नहीं उत्पन्न होंगे, जब तक कि हमारे सामने कोई तर्क नहीं होगा। हम देखें कि जेम्स वाट ने जब भाप निकलने लगी उस केतली में से, तो उसके मन में एक तरीके से अनेकों विचार उत्पन्न होने लगे और वो तर्क वितर्क करने लगे कि क्या ये भाप बनकर हम किसी इंजन का प्रयोग कर सकते हैं इसका। यानी जो उनके विचार उनके दिमाग में उठने लगे वो उनकी वैचारिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, अर्थात वो तर्क वितर्क करने लगे, चाहे वो अपने मन से करें। उनके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे, उनके मस्तिष्क में अनेक विचार उठने लगे, और उन विचारों का ही आगे उत्पन्न हुआ कि उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि ये उनका तर्क था, उनका विचार था। और कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान बिना विचार के कभी भी उत्पन्न नहीं होता। हमारे जब तक हमारे स्वयं के विचार नहीं हो गए या किसी की और चीज़ों पर विचार नहीं होंगे, तर्क नहीं होगा, तब तक वैज्ञानिक ज्ञान हम ले नहीं सकते। तो इसी में ये चीज कही, तर्क है तो वैज्ञानिक ज्ञान है, इसीलिए वैचारिक ज्ञान की श्रेणी में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा तर्क, सेकंड है हमारा चिंतन। यहां हमने तर्क वितर्क किया, यानी कि सही या गलत। यहां हम देखें कि उसका हमने दो रूप देखा कि क्या इस कार्य को ऐसा करने से हो सकता है, अर्थात हमने हाँ या ना दोनों चीजें हमने यहाँ की। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर तर्क में हमने एक पॉइंट डिसाइड किया कि हमें ये कार्य करना, अर्थात ये कार्य सही है, तो सही वर्ड पर हम यहाँ चिंतन करेंगे। चिंतन का अर्थ होता है सोचना, गहराई से सोचना। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि तर्क वितर्क करके कि हमने दो कार्य चूज किए या दो जो हमारे दिमाग में विचार होते हैं, यहाँ तर्क वितर्क करके हम उसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये कार्य करना है। लेकिन उस कार्य को किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसे सही है, या कहते हैं कि उसका हमारा परिणाम, या हम जो भी सोचते हैं चिंतन करते हैं उसके बारे में, वो हमारा चिंतन में शुरू होता है, अर्थात हम उसको गहराई से, बहुत ही गहराई से हम उसे सोचने लगते हैं कि ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं। अर्थात यहाँ हम कार्य सोचते हैं, लेकिन हम यहाँ कार्य की रूपरेखा बनाते हैं, कार्य की रूपरेखा बनाते हैं कि हमें ये कार्य करना कैसे है, उस कार्य की रूपरेखा। अगर उस कार्य का हम कहते हैं कि हम यहाँ उसकी जो सफलता असफलता दोनों के बारे में सोचते हैं, साथ में उस कार्य को करना कैसे है वो हम सोचते हैं, तो चिंतन में हम हमारे उस कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से देखते हैं कि जो कार्य हमने सेलेक्ट किया है उस कार्य को हमें करना कैसे है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्रियाशीलता। जब हमने तर्क किया, अर्थात हमने सोचा कार्य करने के लिए, यहाँ हमें कार्य कैसे करना है वो रूपरेखा हमने बनाई, तो जब हम कार्य सोच रहे हैं, कार्य को करने की सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें क्रियाशीलता, अर्थात हमें क्रिया करनी पड़ेगी कि हमें उस कार्य को किस तरीके से करना है। क्रियाशीलता में जो कि हम करके देखते हैं, यहाँ पर हम अपने कार्य को, यहाँ तक हमने सोचा है तर्क में और चिंतन में, लेकिन क्रियाशीलता पर आते हुए हम उस कार्य को करने में लग जाते हैं कि हमें आखिर वो कार्य करना कैसे है। उसके लिए हमें, हम यहाँ जो हमने विधियाँ चूज करी हैं चिंतन में, हम उन विधियों को उपयोग में लेना शुरू कर देता है, अर्थात कार्य को करने का उपयोग हमारा यहाँ शुरू हो जाता है। हम करके सीखने लग जाते हैं कि हमें अब उस कार्य को करना कैसे है, हम उस कार्य पर आगे बढ़ने लगते हैं कि ये कार्य हमें करना था। क्रियाशीलता में आ गया, तो देखा जाए तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर है, करके सीखने के सिद्धांत पर है, अर्थात जब तक हम उस पर क्रिया नहीं करेंगे, कहते कि हमारी कर्मी हमारी पूजा होती है, कार्य तो करेंगे तभी हम सीखेंगे। अगर हम यहाँ कोई गलती भी करते हैं तो गलती हमारे सामने, अगर हम कार्य कर रहे हैं तभी तो हमें उसका अनुभव होगा। यहाँ अगर हम सोच के रह जाएंगे तो हमें हमारी गलती या हमारे कार्य के रिजल्ट का पता नहीं चलेगा। लेकिन क्रियाशीलता में जब तक हमने सोचा है उस कार्य को अगर हम करेंगे नहीं तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा, अर्थात ये है हमारा क्रियाशीलता। कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये हमारा वैचारिक होता है कि हमने जो सोचा है
करें। और मनुष्य की प्रवृत्ति भी होती है, कहते हैं मनुष्य जिज्ञासु होता है, तो अगर वह सोचता है, तर्क वितर्क करता है, तो उसके बाद में वो उस कार्य को करता है। तभी तो जेम्स वाट ने यहाँ पर तर्क में सिर्फ उन्होंने सोचा, फिर यहाँ उन्होंने चिंतन किया कि हमें उस कार्य को कैसे करना है, और क्रियाशीलता में उन्होंने ये बताया कि इस कार्य को हम इस तरीके से पूर्ण रूप से कर सकते हैं, इस तरीके से हम इंजन का आविष्कार कर सकते हैं। सब फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा, वो होती है आवश्यकता। कहते हैं आवश्यकता हमारी आविष्कार की जननी होती है, बिना आवश्यकता के हम कभी भी कोई कार्य नहीं करेंगे। सिंपल तौर पर हम कहते हैं, अगर हम अपनी अपनी लैंग्वेज में बोले इसको, कि अगर बच्चे को भूख ना लगे तो वो रोए भी ना और माँ उसे दूध भी ना पिलाए। तो ये शर्त होती है, चीजें होती हैं, ये हमारी आवश्यकता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, हम उस कार्य को नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें आवश्यकता होती है, हम तुरंत उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही चीज बताएगी, तर्क अगर विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं तो वो क्यों उत्पन्न होते हैं, हमारी आवश्यकता के कारण। जब तक हमारी आवश्यकता नहीं होगी, हम कार्य नहीं करेंगे। जब तो हमारे लिए आवश्यकता के लिए हमें जरूरी होता है हमारा तर्क, हमारा विषय। तो इसी के कहा गया है कि तर्क, चिंतन, क्रियाशीलता, ये सब किस पर, आवश्यकता पर। कहा जाए तो आवश्यकता के बिना हम इन सब चीजों की कोई भी प्रभावी नहीं है। आवश्यकता ही हमारे आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता में हम जिस चीज को हमने किया है, उसी की हमारी आवश्यकता, उसके महत्व को बताएंगे कि इस कार्य को हम किस तरीके से कर सकते हैं या हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। जो तर्क, जो चिंतन, जो क्रिया की है हमने, वो हमने आवश्यकता के लिए की है। ये हमारी आवश्यकता के लिए हम इस कार्य को करते हैं कि इसको करने से हमारी ये आवश्यकता पूरी होती है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण विधियाँ। कहते हैं कि आवश्यकता हुई, आवश्यकता के लिए हम अपनी विधियों का चयन करते, अर्थात जब हम जो कार्य कर रहे हैं उसे हम किस तरीके से प्रभावी बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसका प्रभाव छोड़ सकते हैं, ये हम विधियों के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब हम विधियों में हम देखने बैठे तो हमारा जो प्रभाव होता है, हम कोई भी विधि अपना सकते हैं। आज के टाइम पे हमने देखे कि इतनी सारी विधियाँ होती हैं, स्कूलों में हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को कार्य करवाने की कोशिश करते हैं, अगर टीचर एक मेथड से उसे समझा रहा, अगर उसे समझ में नहीं आता है तो वो दूसरा मेथड लेता है, दूसरा मेथड से समझ में नहीं आता है तीसरा मेथड लेता है, अर्थात वो अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। अभी हम जो कहते हैं कि हमने आज के टाइम में कौन कौन सी विधियाँ काम करते हैं, हम तो प्रयोगात्मक विधि काम में लेते हैं, प्रयोजन विधि काम में लेते हैं, समस्या समाधान विधि काम में लेते हैं। कहते हैं ना, हम ये चीज़ें यानी हर क्षेत्र में अलग अलग, हम कहते हैं प्रैक्टिकल, हम जो आज प्रैक्टिकल कार्य देते हैं, जो हम करवा के देखते हैं शिक्षण विधियाँ बच्चों को, कि जाएं बच्चे इस कार्य को करें, ये सब हमारे शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। फिर है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जब हम जो कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं सर्वोत्तम, सबसे अच्छा हम उन संसाधनों का प्रयोग करें। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पानी, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है या एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, उसे हम दूर करने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। हम सिंपल तौर पर हम देखें, घरों में हम कहते हैं कि पानी फिल्टर के लिए हमने मशीन लगा ली कि हमें ऐसा पानी मिले जो फिल्टर होकर रहा है। तो ये क्या है, हमारे संसाधन नहीं, हमने अनेकों संसाधन, किस तरीके से हम अपने वाटर पॉल्यूशन दूर कर सकते हैं। ये हम ही नहीं, हम जो हमारे स्तर पर, हम जो घर में प्रयोग में लेते हैं, हम उसके लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हम इसे बाहर, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं बाहर, हम किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन दूर कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण को किस तरह स्वच्छ रख सकते हैं, इन सब चीज़ों का, सरकार जो जिन भी संसाधनों का इसके लिए प्रयोग कर रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें संसाधन जो बेस्ट होता है उसे हम उपयोग में लेते हैं, कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है इसमें जिज्ञासा, जो हमने बताया अभी तक के साथ ही कि वैज्ञानिक ज्ञान बिना जिज्ञासा के तो संभव ही नहीं होता। जब हमारे पास आवश्यकता होती है, जब जिस कार्य को करने की आवश्यकता होती है, तो उसके साथ हमारा जिज्ञासा का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। मनुष्य जब भी जिस चीज के बारे में सोचता है, वो उसे जिज्ञासा की श्रेणी में ले जाता है। कहते हैं बिना जिज्ञासा के व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता। अगर वो सिर्फ यहाँ तर्क वितर्क करके सोच रहे, कहते हैं तर्क की शक्ति आती ही जब है जब व्यक्ति में जिज्ञासा हो। तर्क की शक्ति आती ही जब है जब उसमें जिज्ञासा हो, यानी कि हम खुद जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो, हम उसे जानने की इच्छा प्रवृत्ति हो,
क्या हम उसे सोचें कि ये कार्य किस तरीके से होने वाला है, ये नहीं कहेंगे हम कि कार्य हुआ कैसे। हम कह रहे हैं सिंपल तौर पर कि हमने देखा कि एक चिड़िया है जो आकाश में उड़ रही है, हमने उसको मान लिया कि चिड़िया आकाश में उड़ सकती है। हम ये कह रहे हैं कि सात रंग का जो रेनबो बना हुआ है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कैसे, आपने कैसे बताया कि रेनबो में सेवन कलर होता है। हम उसको जिज्ञासा प्रवृत्ति किसके अंदर उत्पन्न हो रही है, बालक के अंदर। हम उस बालक को प्रूफ करेंगे, हम दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को नहीं दिखाते तो वो जिज्ञासा बच्चे की खत्म हो जाती है। तो कहते हैं जिज्ञासा प्रवृत्ति होना वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी में आता है, क्योंकि मनुष्य बिना जिज्ञासा के कोई भी कार्य नहीं करता। सेकेंड है समस्याओं का समाधान, यानी कि हम हमारी क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, जो जिज्ञासा से, जो हमारे वैज्ञानिक से। कहते हैं कि इस ज्ञान में समस्याओं का समाधान होता है। हम उनके लिए विभिन्न विभिन्न साधनों का, विभिन्न विधियों का, हम अनेक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारी समस्याओं का निराकरण होता है। किसमें, वैचारिक में, वैज्ञानिक ज्ञान में। हम उन समस्याओं का, जो हमारे सामने, जब तक हमारे सामने कोई समस्या, कोई आवश्यकता नहीं होगी तो हम कार्य कैसे करेंगे। तो इसी चीज़ में बताइए, हमारे सामने जो भी आवश्यकताएं आती हैं, जो भी हमारी समस्या होती है, हम उसका समाधान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी विकास। कि वैज्ञानिक ज्ञान में यहाँ पर मनुष्य की, व्यक्ति के चहुमुखी विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, चिंता, यानी क्या करता है इंसान हर चीज़ का, जब वो कार्य करेगा पहले मानसिक श्रेणी में आएगा, यानी वो चिंतन मनन जब कर रहा था, वो सोच रहा है उस चीज़ को, वो उसके मानसिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके लिए जो क्रिया कर रहा है, अपना शारीरिक कार्य कर रहा है, वो हो जाता है उसका शारीरिक विकास। तो कहते हैं कि ये मनुष्य का वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है, व्यक्ति का चहुमुखी विकास करता है, अर्थात चारों तरफ का विकास करता है। नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण। कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान वैश्वीकरण की स्थिति पर आता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल देश, यानी कि हम कहते हैं कि देश ही नहीं, उसको विदेश भी मानता है। हम ये कहें कि हमारे यहाँ जो भी सूरज है वो पूर्व से उगता है, लेकिन इस चीज़ को मानेगा कौन, विदेश भी मान रहे। कहते हैं यहाँ जो वक्त, तो जो भी हम टॉपिक लेते हैं वो हमारा वैश्विक स्तर का होता है। यहाँ हमारा सिर्फ हमारे देश से नहीं, यानी कि हमने जो विश्व के स्तर पर, और कहा जाए तो ये एक तरीके से सार्वभौमिक उस पर कार्य करता है, सार्वभौमिक सत्यता पर कार्य करता है, यानी कि हमें खुद भी मानना होता है और विश्व को भी इस बात के लिए मानना होता है। यानी वैश्वीकरण के स्तर पर जो भी समस्याएं होती हैं उस पर हम वैज्ञानिक कार्य करते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, दार्शनिक विचार। कहते हैं विचार तो सभी के होते हैं। अब दर्शन को विज्ञान की श्रेणी में किस तरीके से बांटा है, तो हम देखें सत्यता, यानी कि दार्शनिक के विचार क्या होता है, सत्य रहना, कि हर चीज की सत्यता। तो यहाँ सत्यता कहाँ हो जाएगी, जो वो कार्य कर रहे हैं विज्ञान, जो विचार उनके सामने, वो उसको सत्य बनाने की कोशिश करता है, अर्थात यहाँ पर सत्यता होती है। दार्शनिक विचार भी इस चीज को मानते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान में सत्यता होती है, क्योंकि जब तक हम जिस चीज के लिए कर्तव्य, जो कार्य कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो चिंतन क्या है, हमारा विश्वास है ना, तो विश्वास किसकी श्रेणी में है, सत्यता की श्रेणी में। तो विश्वास ही सत्य है, तो हम उस कार्य को करेंगे, उस सत्यता पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड है हमारी विश्वसनीयता। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा विश्वसनीयता। इसमें कहा जाता है कि यहाँ हमारे नियम जो होते हैं वो हमारे सैद्धांतिक नियम होते हैं, काल्पनिक नियम नहीं होते हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर, ये हमारी विश्वसनीय है, विश्वास करते हैं, या कल्पना नहीं करते हैं हम, या कल्पना न करके हम उन सिद्धांतों को मानते हैं। उस सिद्धांत पर हम, जो हमारे सिद्धांत बनाए, जो हमारे नियम बनाए, हम उन नियमों पर कार्य करते हैं। तो यहाँ हमारा विश्वास, हमारे नियम, हमारे सिद्धांत होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारी वैधता। जो हमारा है जब विश्वसनीय होगी तो उसमें वैधता जरूर से जरूर होगी, यानी कि जो नियम हमने बनाए हैं, जो हमारा रिजल्ट, हमारा प्रयोग, हमारा जो रिजल्ट लेके आता है, वो हमारी वैधता होती है। जो हमारा देश मानता है उस चीज़ को विदेश मानता है, वो हमारी वैधता होती है, कि हमें किस तरीके से, हम उस पर विश्वास है। फिर हमारा सार्वजनिक कल्याण। कहते हैं वैज्ञानिक जो कार्य होता है वो सार्वजनिक कल्याण के लिए होता है। हम जो पॉल्यूशन दूर करते हैं, हम जो पॉल्यूशन दूर कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन दूर कर रहे हैं, ये सब किस आधार पर आ रहा है। जो हम ये कहते हैं हमारे पर्यावरण को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो किस श्रेणी में आ रहे हैं, हमारे सार्वजनिक कल्याण की श्रेणी में। कि किस तरीके से, जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम नई नई टेक्निकों का यूज़ कर रहे हैं, वो किस क्षेत्र
में आ रहे हैं, हमारा सार्वजनिक कल्याण, यानी कि जिसमें सभी का कल्याण हो, सभी का उसमें हित हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसी ज्ञान में वैज्ञानिक, यानी जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो विज्ञान से संबंधित है, उस दृष्टिकोण का विकास होता है। हम नई नई टेक्निकों का, नई नई टेक्निक का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, उससे भी अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हम पहले किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट हमारे जो प्रयोग जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज जो विज्ञान की देन है वो क्या है, हमारा विज्ञान का विकास, अर्थात हमारा दृष्टिकोण, हमारा चिंतन, यानी कि हम सोच रहे हैं उससे भी आगे सोचने लगे, और हम जो कार्य करते हैं उससे हमारा, जी कहते हैं कि अगर हम चिंतन और तर्क वितर्क करेंगे तो हमारा विकास आगे होता जाएगा, आगे उस टेक्निक क्षेत्र में हम अपना आगे बढ़ाते जाएंगे। एक है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम देखें तो दार्शनिक इस चीज़ को मानते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव भी बढ़ाता है, हमारा भी, हमारे दूसरे देश के प्रति हमारे आपस में जो संबंध होते हैं उसको भी हमारा ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे बढ़ाता है। तो ये जो हमारे टॉपिक थे आज, धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान, ये मैंने आज आपको धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान की विशेषताएं बताई। कि धार्मिक ज्ञान जो मैंने बताया आपको, बताया इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण, इसकी पहली शर्त होती है विश्वास, यानी कि वो विश्वास पर कार्य करता है, जो हमारा मन मांगता है, और विश्वास में ही सत्यता होती है। हमें ये प्रूफ करना होता है कि हमने जो विश्वास किया है वो हमारा सत्य है। अगर हम सत्य कर रहे हैं तो हमें उस सत्य के लिए प्रमाण देना भी आवश्यक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा सत्यता के लिए प्रमाण, अर्थात हमने जो सत्य दिया है उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता होती है। जो नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान को दो भागों में विभाजन किया था, वैचारिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान। इसी में वैचारिक ज्ञान में था हमारा फर्स्ट तर्क, सेकंड था हमारा चिंतन, थर्ड था हमारा क्रियाशीलता, फिर था हमारा आवश्यकता। तो ये सभी चीजें बताई थी इसमें, किस तरह से वैज्ञानिक ज्ञान में अपने विचारों का समावेश किया है। सेकंड था हमारा दार्शनिक, की दर्शन के क्षेत्र, दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान को किस तरीके से माना गया है, जिसमें कहा गया था कि वैज्ञानिकों ने दर्शन, दार्शनिक जो दार्शनिक हुए हैं उन्हें विज्ञान को क्या माना है, सत्य माना है, विश्वसनीयता के लिए माना है, वैधता के लिए माना है। इसे कहा गया कि सार्वजनिक कल्याण के लिए होता है, इसी में सभी का भला होता है। कहते हैं कि इसी से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक टेक्निक हैं, उनका भी विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का भी विकास होता है। आगे की जो ज्ञान की विशेषताएं हैं वो मैं आगे के टॉपिक में आपको बताऊंगी, और ये जो भी टॉपिक मैंने आपको लिखवाए हैं आप अपनी नोटबुक में से लिखें। धन्यवाद।